अब खबर अजमेर के नसीराबाद से है, जहां पुलिस ने तंत्र मंत्र के नाम पर ठगी करने वाले तांत्रिक और उसके दो साथियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी का खुलासा करते हुए पुलिस के उप अधीक्षक ब्रज मोहन आसवाल ने बताया कि आरोपी तांत्रिक इस्लामुद्दीन अलवर का निवासी है। वो अपने साथियों के साथ मिलकर लोगों को नकली सोने की ईंट और साथ ही प्राचीन धातु देने के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम देता है। इसके अलावा वो परेशानी दूर करने के नाम पर भी लोगों को शिकार बनाता था। असवाल ने बताया कि आरोपियों ने एक व्यक्ति को अपने झांसे में लेकर उसे 5 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया और इस मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया और इनसे नकली सोने की ईंट और साथ ही नकदी भी जब्त की है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से अब पूछताछ में जुटी है। दो जून को श्रीराम नाम के व्यक्ति ने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें लिखवाया था कि भाई एक बाबा बन करके और मेरे से 5 लाख रुपए ठग लिए और पैसे वाला बनाने के लिए भाई आपको मैं सोने की ईंट दे दूंगा। इसके ऊपर हमने प्रकरण दर्ज किया, लोकेशन के आधार पर उनका पता लगा करके और 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया, जिनमें जो इनका मुखिया इस्लामुद्दीन नाम का है, जो अलवर जिले में किशनगढ़ बास थाने के एरिया में। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।